और पर ये तो बताओ, मुसलमान होना तो बाकी बात है, इंसान बने क्या? हमारा इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए। अब अगर इस्लाम का चमत्कार देखना है तो पहले तू बन जा इंसान, फिर बन जा मुसलमान, फिर देख की रब है कितना मेहरबान। ये कैसे पता चलता और कामयाब रहा? साल भर तक हाई स्कूल का विद्यार्थी पढ़ता रहा, आठ महीना नौ महीना गुजर गया, पता नहीं फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है या फेल है। इम्तिहान बताता है कि कामयाब हूं। तो प्रतिवर्ष परीक्षा ली जाती है, अनेक विषयों में, भूगोल का विद्यार्थी है कि इतिहास का, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, जूलॉजी का है कि बॉटनी का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है या अर्थशास्त्र का, परीक्षा होती है, पेपर आता है। तीन घंटे का समय है, लड़का बैठ गया, नाम लिख, रोल नंबर, आई थिंक नो नेम, रोल नंबर, विषय गणित मैथमेटिक्स सेंटर इस्लामपुर, बैठा, सवाल आया पेपर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी पांच प्रश्न का उत्तर दो। 13 सवाल थे, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। जब मैं हाईस्कूल में था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी पांच प्रश्नों का उत्तर दो। और 13 सवाल के मुझे 13 के 13 आते थे, 13 का जवाब लिखते, 13 जवाब लिख के मैं ऊपर लिखता सी एनी 5 क्वेश्चन, तुम ही कोई पांच देख कर रहे। अब ऐसा क्यों न करता, सवाल मेरा थोड़ी था, 13 था। मैं पास हो गया। ये इम्तिहान बताता है कि साल कैसा गुजरा, विद्यार्थी की परीक्षा बताती है साल कैसा गुजरा। आपका भी इम्तिहान बताएगा दुनिया कैसी रही। आपकी दुनिया अब यहां को हम बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हुए, रात भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा, मगरिब बाद रात जन्म लेती है, ऐसा तक नौजवान होती है, 12 बजे तक जवान होती है, 1 बजे या भेड़ होती है, 1 बजे के बाद बुढ़ी हो जाती है, और 1 बच चुका है। जब रात जवान थी तो जवान लोगों को मौका दिया गया, और जवान लोगों ने मौका पे चौका मारा, अधेर हुई तो खतीबे अदबे हित को बुलाया, जब बुद्धि हो गई तो बुद्धे को बुलाया।
मैं इतना बुरा तो नहीं हूं कि इंद्रिया के साथ मेरा निभा हो। लेकिन मेरे भतीजे मौलाना सैयद अहमद रजा ने अपरेशन है मुझ पर कि हाजी चचा बुढ़िया से निभा कर लीजिए। अब आप दुआ करें इस बुढ़े की बुढ़िया से बन जाए, वरना आजकल की बुद्धि भी जज्बाती है। अब मेरी दुनिया बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये अल्लाह कब पता चलेगा, कहा जब तू कब रुए जाएगा तो तेरा इम्तिहान हो। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब दुनिया कामयाब, कानून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका फेल हो गया, नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुश्शान रसूल का बेटा ईमान न संभाल सका नाकाम रहा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हजारों मिसाल है, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिले। अगर आपने बंगाल तेजी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर, बेकार जाहिरी तौर पर आने में दी हो, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नाक गोई करके हमें मुसफर करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें तीन सवाल होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होगा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट्स योर रिलीजियन, तेरा दीन क्या है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, मां तुम का तकुलो की हजर रजो, मां तुम का तकुलो। सरकार फरमाते हैं इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह, जब फरिश्ता पूछेगा मां दीन होगा तुम्हारा दीन क्या है तो वो जवाब देगा मोमिन दीन ही इस्लाम मेरा दीन इस्लाम। मां पूछा था सुनो कि हजर रसूल इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे तो मोमिन जवाब देगा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर नबी अल्लाह मोहम्मद कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फरिश्ता कहेगा न भगवती गुरु सो जा दुल्हन की तरह, इसका कल मैं जीते हुए बात करूंगा, अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं। और यार सुनना, जो मोमिन नहीं उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा मन रब्बो का, काफी जगह
सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। माधीन होगा अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। बाथरूम का ताकूलो अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। काफी एक ही जवाब देगा तीनों सवाल सॉरी आई डोंट नो अब तो मैं नहीं जानता। अर्जुनी मैं नहीं जानता। हाँ हाँ अब तो आई डोंट नो बंगाल में विचार होता है स्कूल का इंटरमीडिएट का इम्तिहान होता सर्विसेस का मतलब बंगला का पेपर आउट हो गया तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर पेंसिल नया पेपर बनेगा अनिवार्य सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया दूसरी पेपर अब फिर लाखों नया छपे हजारों लाखों रुपया बर्बाद अब ये सत्ताधारियों से कहा जाने को एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ कहा जना इम्तिहान लिया जाता है लड़के ने साल भर बाहर ही नहीं पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं। अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही सही जवाब देंगे तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन। पेपर आउट हो गया है सवाल लोगों को पता चल गया है। अगर सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर क्वेश्चन को छुपाकर किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो और उनका पेपर आउट कर दिया। जहां अमरीका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है। जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती मदीने वाले ने करके दिखाया क्या तक के लिए बता दिया कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल गो का है दूसरा मादीनों का है तीसरा माकूम का तकूलों की हजरत रजूल है और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है आधा नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे का जवाब है सवाल भी बता दिया जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट है। कामयाब दुनिया उसकी है भूखा रहने से नाकाम नहीं है प्यासा रहने से नाकाम नहीं है। सीधा सवाल सीधा जवाब बहुत तबीयत खुशी अजड़ी नारा लगता रहा मौला जी का नाम लेते हुए हजरत अली के कितने बेटे हैं ये मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हो नाम बता पता नहीं ये दो ही नाम क्यों याद क्यों ये दोनों कामयाब हैं
इमाम हसन कामयाब हां, इमाम हुसैन कामयाब हां। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे दामने इस्लाम नहीं छोड़ा, प्यासे रहे तो ही का दम पीते रहे पिलाते रहे। भूखा हुसैन प्यासा हुसैन कामयाब हुसैन, तख्त पर बैठा हुआ हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम, तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे तकबीर, आलम का हुजूर गाजी ए मिल्ला जिंदाबाद, हुजूर गाजी ए मिल्ला जिंदाबाद। आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। आपका स्टार्ट जो है शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं, ना शुरू मेरी मर्जी से हुआ है ना खत्म मर्जी से होगा। जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? न आने में मर्जी चली, न जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। ये भी उत्तर योर फेस फ्रॉम रियलिटी, उत्तर योर फेस फ्रॉम रियलिटी, यू कैन चेंज रियलिटी। तो हक बात से मुंह फेर लो, हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ तो रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर यह नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख, ये दुख, बोलते हो ना सुखी जीवन दुखी जीवन। मैं दुनिया के पांचों महाद्वीप में आया, अमेरिका महाद्वीप, भारत महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी होती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह। पूरे पांचों महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता हो। मॉल में भी गए, कुछ हम लोगों को मोच बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिलता, दुख नहीं। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए। ला 5 किलो सुख, 10 किलो दुख। 5 जमीन से धान की तरह दुख को आता ऊपर, सुख दुख जमीन से बैठा होगा, पेड़ों से निकलता है, जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होगा? बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता है क्या? नहीं, किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं, किसी मिल में सुख दुख बनाते हैं? नहीं, अभी तो कहीं दिखता है? नहीं, तुम्हें है न सुख है न दुख है,
जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है। इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लू। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। नारे तकबीर, नारे ईसान, हुजूर गाजी ए मिल्लत जिंदाबाद, जानशीन सरकार मुहब्बिस ए आज़म जिंदाबाद। बरगमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक अच्छी मिसाल दूं जो आपके घर में, जब सर चकराता है तो पेन किलर ले लेकर के अपने सर के दर्द को दूर करने की तरकीब करते हैं। पेट में दर्द हो बर्दाश्त नहीं होता साहेब, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कतना बढ़ रहा, कोई दुख हमें बढ़ रहा और अगर अरे कोरोना जैसा नाम बोलते काम, क्या नाम है कोरोना, 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा गर्व, सबसे ज्यादा पीस, सबसे ज्यादा भेद मां बनने में, हमारे घरों में मौजूद। जैसे ही हमारी मां बहन गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, वह 2-3 महीना तो आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू। दर्द की मुताबिक लहरें शिकमे मादर को बेसहारा करती है, न खाना अच्छा लगे न नींद, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा धीरे धीरे डर बढ़ता जाए, 8वें महीने में डर और बढ़ जाए और डिलीवरी के बाद जो लेबर पेन होता है परसों पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। तो समझो कि जब हजरत मोहम्मद बहुत अलैहि सलाम आए और रूह निकला गए तो जो दर्द होता है उसी से मिलता जुलता दर्द है। जो मां झेलती है तो बच्चा पैदा होता है, कभी कभी वो मर जाती है बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए तो मां का दर्जा, नौजवानों तेरी मां का दर्जा यह है कि तेरी सारी नमाजें अगर तुमने जितने रोजे रखे हज किया जकात दिया बड़े से बड़ा पर बना दिया, लेकिन तेरी मां अगर नाराज है सब गए। मां इंशाला मैं कल अपनी आऊंगी, मां बाप वो आप देखे ना तेवर बड़ा खुश हो तू गई से हम मोबिल वाले नहीं
कहां जिक्र खुदा शिर्क चिकन आए वही शिर्क चिकन आए से मुख्यसलन मां बाप बोला का बोलू इलाजिया हूं कभी नहीं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स माँ बाप दोनों इधर भारत में पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है अब्बा गाय सिर्फ अम्मा जय माता दी माँ की जय हो बाप सौतेला आ गया एक तरह से माँ की दुआ बाप दुआ देता है क्या नौजवानों माँ का हक लगा है तो बाप की शान लगा घड़ी में जन्नत है ये हर घर में जन्नत है लिपट गया अपनी माँ के कदमों से लिपट गया जन्नत मैं साहबी रसूल जो उन्होंने मन्नत मानी थी अगर मेरी मुराद ये अल्लाह तुमने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट दूंगा ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली दोनों चौखट चूमूंगा अल्लाह का करम देखो मन्नत पूरी हो गई अब सीधे साधे नूर ईमान से मुनव्वर साहबी अब जन्नत कहां मिले मन्नत उतारने पर आए तो फिकर हुई जल्द जन्नत कहां ढूंढू दरवाजा कहां पकड़ू चौखट कहां देखू कैसे बोसा लू हर मर्द की दवा है संदेह बागा है सारा यार रसूल अल्लाह इसी महीने मन्नत मानी अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जन्नत का ऊपरी दरवाजा और नीचे चौखट चूमूंगा अब मुझे जन्नत ही नहीं मिल रही रहमतुल्लिल आलमीन का इख्तियार एक खुशी दे पावर ऑफ प्रॉफिट बोले तेरे घर में माँ बाप है अलहमदुल्ला माँ बाप दोनों है का क्या घर के अंदर अपने बाप का माथा चूम ले अपनी माँ का कदम चूम ले जन्नत का दरवाजा चूम ले घर ही में जन्नत बाहर ढूंढा मैं बता रहा था कि लेबर पेन मौत तक ले जाती है कभी कभी लेकिन जिस औरत को शादी के बाद 12 साल तक लेबर पेन न हो 9 महीने की तकलीफ न हो तकलीफ होने लगती है कि तकलीफ नहीं है सोचो 9 महीने की तकलीफ न हो उसे तकलीफ होती है तो ये तकलीफ क्यों नहीं है दुआ मांगती है दरगाहों में जाती है वसीला ढूंढती है फिर जब से तामीर भी पाती सरकार औलाद हो गया औलाद थोड़ी मांग रही है दर्द मांग रही है लेबर पेन मांग रही है और उससे ये तकलीफ नहीं हुई 12 साल तक शादी के बाद 12 साल तक ये तकलीफ नहीं हुई इस बात की उसे तकलीफ हो रही है इसका मतलब यह है कि जो तकलीफ पसंद आ जाए वो तकलीफ नहीं जो दुख मकबूल हो वो दुख नहीं तो एक्सेप्टेंस का नाम सुख है रिजेक्शन का नाम दुख है जो हम कहते हैं रब्बना आतना इस दुनिया हसाना तो घर में सबूत यह है कि तेरी दुनिया अच्छी है तेरे माँ बाप राजी है कि नहीं
तेरी दुनिया अच्छी है, तुझे अल्लाह का दिया हुआ हर तोहफा कबूल है। तुझे पहले हकीकी एक ही है, चाहे सुख में जाए चाहे दुख में जाए, वही तो हमारा मालिक है। तो फिर हम दोनों को एक तरह से क्यों नहीं कबूल करते? ए सुख आ, रब ने भेजा है कोई परवाह नहीं, आ। ए दुख आ, रब ने तुझे भेजा है तो आ, क्योंकि जब तक रब दुख भेजता रहेगा उसकी तवज्जो इस बंदे की तरफ रहेगी, और रब की तवज्जो जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रीप की है कि वो बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसकी दुनिया कामयाब है और दुआ मकबूल है। रब बना आते ना फिर दुनिया हसना। कल इंशाल्लाह इसके आगे की आयत समझाऊंगा। वाह रोजावाना भी हम मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे या والحمد لله.